अगली खबर बलिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक बलिया एस आनंद के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के सफल प्रवेशन व क्षेत्र अधिकारी रसौड़ा मोहम्मद फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना नगरा पुलिस को सफलता मिली। आपको बताते चले कि 15 वर्ष से फरार चल रहे छोटू उर्फ छोटक कहार उम्र 45 वर्ष पुत्र प्रभुनाथ निवासी सहरसपाली थाना कोतवाली जिला बलिया को नगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। एसओजी बलिया और थाना नगरा पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में 15 वर्षों से फरार एक हत्या में वांछित अभियुक्त छोटे उर्फ छोटक कहार सनफ प्रभुनाथ, ये सहरसपाली थाना सातवार का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। इसके द्वारा 2008 में एक बहुचर्चित सोहन सिंह हत्याकांड में ये शामिल था, उसके बाद 2009 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम हुआ, 2012 में इसके द्वारा सातवार में भी एक हत्या की घटना कारित की गई। इन तीनों ही घटनाओं में ये वांछित चल रहा था। इसके कब्जे से एक 315 वर्ग का अवैध कट्टा बरामद हुआ है और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है, जो प्रकाश के नाम से ये आंध्र प्रदेश में रह रहा था। इसके तलाश के लिए लगातार एसओजी की टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था और इसकी सटीक सूचना मिलने पर ये गिरफ्तारी हुई है। इससे गहन पूछताछ की गई है और इसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की गई है, उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त छोटे के विरुद्ध थाना नगरा में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।